आयुष फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच एंड स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एज अ स्टैंड अप कॉमेडियन. वैसे कॉलेज में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, नहीं देखा तो अब देख लो यार, बहुत साल धस के आए हैं. एंड वैसे मैं ना इसी होम टाउन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे एक नेबर के पास बहुत लिटरली बहुत सारे पेट एनिमल्स हैं, और जितना मैंने बहुत बोला ना इतने में आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने आधा जंगल बसा रखा है. एंड स्पेशली उनके पास एक डॉग है, तो सबका तो पता नहीं बट मेरी उसके साथ बिल्कुल नहीं बनती. वो जब भी मुझे देखता भौंक पड़ता, गौर फरमाइएगा, वो जब भी मुझे देखता भौंक पड़ता. लेकिन मन तो मेरा भी करता है, गलत समझ रहे हैं, भौंकने का नहीं समझाने का, कि यार मैंने कौन सी तेरी कोई किडनी उधार मांगी है जो तू मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रहा. वैसे आस्किंग यू ऑल, डॉग्स में कितनी किडनीज होती है? दो होती है सर, प्लीज प्रोवाइड देम एक्स्ट्रा क्लास. एंड रिसेंटली ना मेरे एक फ्रेंड का ब्रेकअप हुआ है, दुखी हुई जानकर हम जैसे दोस्तों को खुशी मिलती है इस पर. एंड वो मुझसे जब भी पूछता है कि भाई तू मुझसे रोज मिलता है, तू मेरा हाल क्यों पूछता है, तो मेरा जवाब बस एक ही रहता है, भाई तेरा हाल देख के बड़ा मजा आता है. एंड मेरा एक फ्रेंड है, उसके बाद भी मतलब अगर मैं तो एक बात बता रहा हूँ कि आपका सवाल जितना सीधा और सिंपल होता है उसका जवाब आपको उतना ही टेढ़ा और ट्विस्टेड मिलता है. घबराइए नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ. मैं अपने एक फ्रेंड का एग्जाम्पल देता हूँ. उसने मुझसे पूछा, नहीं मैंने उससे पूछा कि भाई कहाँ रहता है तू. बड़ा ही लेमन सा क्वेश्चन है, मतलब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि भाई मैं इस लोकेशन पे रहता हूँ, इस एरिया का पिन कोड ये है. इसने मुझे बड़े ही कॉन्फिडेंस में जवाब दिया. एंड इस भाई साहब का कॉन्फिडेंस लेवल इतना था कि अगर ये मुझसे पूछता है कि भाई ये हिमालय है और यहाँ पे बर्फ गिर रही है, तो मैं बोलता हाँ भाई ये हिमालय है और यहाँ बर्फ गिर रही है. बट एक्चुअली उसने मुझे बोला था कि भाई इस कॉलेज के गेट से बाहर निकलना है, किसी भी ऑटो वाले को बोलना है सैंडिस कंपाउंड का नाम इतना फेमस है कि अभी तक मे भी सभी लोगों ने देख लिया होगा. देख लो भाई, बहुत मस्त है. एंड उसने मुझे बोला कि वहां जाना है, तुझे घूमना है. मैं इसी होम टाउन से बिलोंग करता हूँ और मुझे घुमा रहा है कि तुझे यहाँ घूमना है. उसके बाद उसने बोलता है कि जिस रास्ते तू गया था उसी रास्ते वापस आ जा, क्योंकि मैं हॉस्टलर हूँ, हॉस्टल में रहता हूँ. इतनी बकवास करने के बाद आप ही बताओ उसका सर फोड़ने का मन नहीं करेगा? मेरा भी किया, मैंने फोड़ दिया. अभी वो आईसीयू में है, लेकिन जब वो आईसीयू से आएगा तो मैं आईसीयू में जाऊंगा और वहां से वो रोज गालियां देता होगा मुझे. मैं भगवान से बस एक ही प्रे करना चाहूंगा कि वो ठीक हो जाए और खासकर सीधी तरह बात करना सीख जाए. ठीक तो वो हो ही जाएगा. एंड बस इतना ही बोलना चाहूंगा, वरना मेरी पिटने वाली भविष्यवाणी सच हो जाएगी. थैंक यू.